छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आस्था के तीर्थ आपको एक तरह भारतीय संस्कृति की विविधता से जोड़ते हैं तो दूसरी तरफ कुदरत की करिश्मा का आनंद आपको अभिभूत कर देता है। छत्तीसगढ़ की धरती माँ कौशल्या का जन्मस्थली, छत्तीसगढ़ की धरती भगवान राम के रामगमन पथ की धरती जहाँ उनके चरण रज छत्तीसगढ़ में पड़े थे, ये ऋषियों की धरती है। ये धरती साधु संतों की धरती रही है। इस धरती पे एक तरफ तो शिवरी नारायण है, दूसरी तरफ आस्था के प्रतीक चिन्ह हमारे गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली है, तीसरी तरफ यदि हम जाकर देखें तो कबीर के उपासना के केंद्र के रूप में छत्तीसगढ़ प्राचीनतम इतिहास रहा है। एक नई संस्कृति को देखने का अवसर मिलेगा। प्राचीनतम यहाँ की वन संस्कृति, यहाँ की ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति का अद्भुत मेल है। उद्योग का ये तीर्थ स्थल है, गांव में लहलाते फसल आप देखेंगे। यहाँ की पहाड़ों में यहाँ के साल सैगोन के, कुसुम और महुआ के पेड़ आपको देखकर नई ताजगी से भर देंगे। ये छत्तीसगढ़ का कोना कोना दर्शनीय है। एक एक स्थल पे आप प्राचीनतम इतिहास को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सौंदर्य को देश और दुनिया के सामने लाने का ये प्रयास, मुझे लगता है कि आप इसे जुड़ेंगे, आप आनंदित होंगे और यहाँ के करिश्मा से आप अभिभूत होंगे। आइए इस छत्तीसगढ़ में प्रकृति का सौंदर्य का आनंद उठाएं। छत्तीसगढ़, कुदरत का करिश्मा और आदिवासी संस्कृति से लेकर आध्यात्मिक दर्शन, अब आप धरती पर रहकर स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दें, क्योंकि आस्था के तीर्थ छत्तीसगढ़ के सफर में हम आपके इस सपने को हकीकत में बदल देंगे। कहीं धुआंधार जलप्रपात, तो कहीं चहचहाते परिंदों के बीच हरी भरी घाटियां। कहीं पानी की झील, कहीं आस्था के तीर्थ। जी हाँ, स्वर्ग के सपने को अगर आप साकार करना चाहते हैं तो आपको चलना होगा आस्था के तीर्थ छत्तीसगढ़ के सफर पर। हरी भरी घाटियों और कुदरत के करिश्मे की अनुभूति के साथ हम आपको आज लेकर चल रहे हैं राजनांदगांव जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डोंगरगढ़।
डोंगरगढ़ की ये खूबसूरत पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के नीचे क्षीरपानी जलाशय। पहाड़ियों पर हर धर्म के तीर्थ स्थल, कुदरत के करिश्मे के साथ ही देव स्थलों की दिव्यता आपको स्वर्ग की अनुभूति का एहसास कराएगी। आस्था के तीर्थ छत्तीसगढ़ के सफर में हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान मां बम्लेश्वरी देवी के मंदिर में। चारों तरफ पहाड़ों के बीच डोंगरगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मां का मंदिर। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ ही वैभवशाली कामाख्या नगरी कहलाती थी। छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र पुरातन कामाख्या नगरी है। पहाड़ों से घिरे होने की वजह से इसे पहले डोंगरी और अब डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऊंची चोटी पर विराजित बगलामुखी मां बम्लेश्वरी देवी का मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। मां बम्लेश्वरी देवी का मंदिर, घंटियों की गूंज, श्रद्धालुओं की कतार। और मंदिर में पूरी आस्था के साथ मां के जयकारे। जय अंबे जय भवानी की गूंज और मां के दर्शन का इंतजार। इसी बीच मंदिर का पट खुलता है और मानो दर्शन के साथ ही भक्तों की हर मुराद पूरी हो जाती है। मां बम्लेश्वरी देवी का दिव्य स्वरूप, घंटियों की गूंज और प्रज्वलित दीप की रोशनी के बीच होने वाली आरती भक्तों में नई ऊर्जा का संचार करती है। शाम होते ही मंदिर में सैकड़ों दिए प्रज्वलित होते हैं, दियों की कतारें, जलते दियों की रोशनी डोंगरगढ़ की पहाड़ी को दिव्य स्वरूप प्रदान करती है। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ इन दियों का दर्शन करते हैं। मंदिर में कहीं ढोल मंजीरों के साथ श्रद्धालु भक्ति में डूबे नजर आते हैं। कहीं मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि वातावरण को पूरी तरह सकारात्मक बना देती है। डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी के दो मंदिर हैं। एक मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो बड़ी बम्लेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। नीचे समतल पर स्थित मंदिर छोटी बम्लेश्वरी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी के ऊपर विराजमान देवी और नीचे विराजित माँ को एक दूसरे की बहन कहा जाता है। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ बड़ी बम्लेश्वरी और छोटी बम्लेश्वरी देवी के दर्शन करते हैं।
की पहाड़ियों पर बने इस मंदिर की भव्यता भी यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित करती है। इस मंदिर का इतिहास 2000 साल पुराना है। वैसे तो माँ बम्लेश्वरी के मंदिर की स्थापना को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को माँ बगलामुखी देवी ने सपना दिया था और उसके बाद डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर कामाख्या नगरी के राजा कामसेन ने माँ के मंदिर की स्थापना की थी। माँ बम्लेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी भी माना जाता है। माँ के दर्शन के लिए पहले श्रद्धालु पहाड़ों से होकर ही जाया करते थे, लेकिन बाद में भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़कर माँ बम्लेश्वरी देवी के मंदिर पहुँचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100-200 नहीं बल्कि पूरी 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। चौंकिए मत, अगर आपको सीढ़ियों से नहीं जाना है तो आप रोपवे के जरिए भी माँ बम्लेश्वरी देवी के मंदिर पहुंच सकते हैं। आस्था के तीर्थ छत्तीसगढ़ में अब हम आपको लेकर चल रहे हैं डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में बसे प्रज्ञागिरी। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान और विवेक का वह परिष्कृत रूप जो हमें अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल प्रज्ञागिरी में भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के दर्शन कर आपको अपने भीतर इसी प्रज्ञा का एहसास होगा। आध्यात्मिकता के भाव के साथ कुदरत के इन खूबसूरत नजारों के बीच भगवान बुद्ध का दर्शन, मानो आपका ज्ञान और विवेक के परिष्कृत रूप से परिचय हो गया हो। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। डोंगरगढ़ की इन खूबसूरत वादियों में आस्था के तीर्थ का सिलसिला अभी थमा नहीं है। सूरज की रोशनी के साथ ही डोंगरगढ़ की यह हरी भरी वादियां आपका मन मोह लेंगी, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं झील। जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे शाम को ये वादियां बेहद खूबसूरत हो जाती हैं। डोंगरगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर से नीचे जाती रेलगाड़ी, खूबसूरत वादियां और आसपास का मनोरम दृश्य हर किसी का मन मोह लेता है। इन दृश्यों को देखकर आपको हर बार यही एहसास होगा कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। रात के अंधेरे में प्रज्ञागिरी से दूर नजर डालो तो माँ बम्लेश्वरी देवी का मंदिर नजर आता है। माँ बम्लेश्वरी देवी के दर्शन के लिए रोपवे का अनोखा सफर भी यहाँ आने वाले सैलानियों को रोमांचित कर देता है। इस सफर में श्रद्धालु कभी माँ के गीत गाते हैं तो कभी माँ के नाम का जयकारा। रोपवे का रात का सफर हो या फिर दिन का, हर सफर का अपना अलग ही मजा है। रोपवे में बैठकर हर सैलानी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। हर सैलानी की आंखें दूर दूर तक कुदरत के करिश्मे को निहारती हैं। कहीं हरी भरी वादियां तो कहीं इन वादियों के बीच
प्रज्ञागिरी पर स्थित गौतम बुद्ध की प्रतिमा। रोपवे के इस सफर पर अगर नीचे नजर डालो तो आपको क्षीर पानी जलाशय नजर आता है। खूबसूरत वादियों के बीच यह झील यहाँ की सुंदरता पर चार चांद लगा देती है। यहाँ आने वाले सैलानी क्षीर पानी जलाशय में बोटिंग का लुत्फ उठाना नहीं भूलते। आस्था के तीर्थ छत्तीसगढ़ के इस सफर का सिलसिला अभी थमा नहीं है। खूबसूरत वादियों के सफर से होकर अब हम आपको लेकर चल रहे हैं खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय एशिया के गिने चुने संस्थानों में से एक है जो संगीत और कला के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इसकी स्थापना 1956 में खैरागढ़ के तत्कालीन राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह व रानी पद्मावती सिंह ने अपनी पुत्री राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में की थी। राजकुमारी इंदिरा की संगीत में बेहद रुचि थी और उनका बहुत कम आयु में निधन हो गया था। संगीत के इस महान संस्थान के लिए राजा रानी ने अपना राजभवन दान में दिया था। इस संस्थान में आज भी गुरु शिष्य परंपरा के बीच दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आप वायु मार्ग से पहुंच सकते हैं। आप रेल मार्ग से भी रायपुर पहुंच सकते हैं। नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए आप रायपुर से आस्था के तीर्थ का सफर सड़क और रेल मार्ग से भी कर सकते हैं। डोंगरगढ़ जिला मुख्यालय राजनाथ गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप रायपुर से डोंगरगढ़ तक का सफर 3 घंटे में सड़क मार्ग से पूरा कर सकते हैं। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन जंक्शन की श्रेणी में आता है। यह नागपुर से 170 किलोमीटर और रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हावड़ा मुख्य लाइन पर है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा रायपुर में है। सैलानी अपनी यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के टोल फ्री नंबर 1800-102-6415 से प्राप्त कर सकते हैं। आप ये जानकारी www.tourism.cg.gov.in के माध्यम से भी पा सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन से जुड़ी तमाम बातें और हमारी हर नई पहल से जुड़ी जानकारी आपको सोशल मीडिया से भी मिल सकती है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में फॉलो एवं लाइक करें @GoChhattisgarh पर। ये विविधता से भरा छत्तीसगढ़ है, ये कौलूहल से भरा छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ अपने आप में अनूठा स्थान है।
जिसको ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है। आइए इस छत्तीसगढ़ में प्रकृति का सौंदर्य का आनंद उठाएं, छत्तीसगढ़ में घूमें, छत्तीसगढ़ को देखें और छत्तीसगढ़ से कुछ से समझें। आपका छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है।